नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। वर्ष 2018 में हिंदूपुर के पास 200 मीटर कटी सड़क का उन्नाव सांसद डॉक्टर हरी साक्षी जी महाराज द्वारा किया गया शिलान्यास। जनपद उन्नाव से जिला संवाददाता अवधेश कुमार की खास रिपोर्ट। उन्नाव फतेहपुर चौरासी तहसील बांगरमऊ क्षेत्र के अंतर्गत काली मिट्टी से फतेहपुर चौरासी शिवराजपुर राजमार्ग, जो पूर्व राज्य सरकार के द्वारा बनवाया गया था। नदी के किनारे बने सैकड़ों गांव के लोगों को एक नया जीवन मिला था, लेकिन 2018 व 2019 की गंगा नदी में पानी की बाढ़ आने से हिंदूपुर गांव के पास सड़क लगभग 200 मीटर पानी के बहाव से कट गई थी, जिसकी खबर दैनिक लाइव न्यूज 24 चैनल के माध्यम से जनपद उन्नाव से जिला संवाददाता अवधेश कुमार ने प्रमुखता से दिखाई थी। वहां बहुत प्राण घातक भारी और गहरा गड्ढा बन गया था, जिससे आसपास सैकड़ों गांव के लोग इतने दिनों से शिवराजपुर और चौबेपुर जाने के लिए परिया बिठूर और बांगरमऊ से नानामऊ मार्ग का सहारा ले रहे थे। बहुत बड़ा चक्कर लगाकर जाना पड़ता था। आज सुबह लगभग से 9 बजे माननीय डॉक्टर हरी साक्षी जी महाराज सांसद उन्नाव व जिला पंचायत अध्यक्ष माननीय श्रीमती संगीता सेंगर उन्नाव के कमलो द्वारा पुल बनवाने हेतु शिलान्यास का उद्घाटन किया। जैसे क्षेत्रवासियों को पता चला कि कटी हुई सड़क की जगह पुल मंजूर हो गया और सांसद जी शिलान्यास करने आ रहे हैं, क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई। मानव जैसे जनसैलाब की बाढ़ आ गई हो, सांसद जी ने हाथ जोड़कर पब्लिक से आग्रह किया कि भाई, माताएं, बुजुर्गों, बच्चों, सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहे। पब्लिक ने सांसद जी की वाणी को सुनकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, कुछ लोगों ने नहीं किया। सैकड़ों गाँव के लोगों की उम्मीद टूट गई थी कि यह मार्ग अब नहीं बन पाएगा, लेकिन आज सांसद जी के शिलान्यास करने से पब्लिक की दुखी आत्मा आज खुशियों में बदल गई और ठेकेदार जेई से सांसद जी ने और जिला पंचायत अध्यक्ष संगीता सेंगर ने कहा कि यह पुल इतना मजबूत बनवाया जाए कि दोबारा ऐसी समस्या का पब्लिक को कष्ट ना उठाना पड़े। सांसद जी के आगमन पर वहां मौजूद प्राधिकारी, भाजपा जिलाध्यक्ष राजकिशोर रावत, अवधेश कटियार महामंत्री, मंच संयोजक श्रीकांत कटियार, पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा सोबरन लाल निषाद, किसान नेता, सांसद, पूर्व प्रतिनिधि, जिला पंचायत सदस्य विजय निषाद, जिला पंचायत सदस्य रामखिलावन निषाद, अर्जी मर्जी विनोद सिंह, पूर्व मंडल अध्यक्ष नीरज गुप्ता, राम अवतार शास्त्री, मंडल उपाध्यक्ष जयराम सिंह निषाद आदि पदाधिकारी मौजूद रहे। आम पब्लिक ने सांसद व जिला पंचायत अध्यक्ष संगीता सिंह सेंगर आदि पदाधिकारियों का हर्ष उल्लास के साथ आभार व्यक्त किया। के चलते हिंदूपुर गांव के जो निवासी हैं, इनमें से कई के घर बाढ़ की चपेट में आके बह गए, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? 2018 में जो बाढ़ आई थी, उसमें जो साथियों ने दौरा किया था, तो जो गांव, जो घर बह गए थे, उनका निर्माण होना चाहिए। लिखा पढ़ी भी हमने बहुत की है और इस पुलिया का भी निर्माण की बात थी, तो आज पुलिया का शिलान्यास हुआ जा रहा है। आपके पास कोई सूची हो या यहाँ के जिला पंचायत सदस्य के पास कोई सूची हो जिनके घर बह गए और उनको आवास नहीं मिला, तो निश्चित रूप से हम बनवाएंगे। महाराज जी, यहाँ हिंदूपुर के निवासियों का कहना है कि जो गांव के बाहर जो बाढ़ आ जाती है, उसे प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है और घर गिर जाते हैं, इसके पहले यहां पे पत्थर लगवाए जाए, इसे और उसका आप बना के प्रस्ताव बना करके कहां से कहां तक पत्थर टेल बननी है, पत्थर की टेल बननी है आप बताएंगे, तो मैं अगर गंगा के किनारे है या महाराज जी, पुलिया के निर्माण के लिए कितना धन स्वीकृत हुआ है? हिसाब कितना करोड़ है? जय साहब, गांव के आसपास कितना पैसा है? प्रस्ताव में रुपया लगाना, कितना रुपया? राहुल जय साहब कहाँ है, बुलाओ जरा। आपकी व्यवस्था है, चाहे भूख मुक्त हो, चाहे 123.6 करोड़ 23 लाख 8 हजार। महाराज जी, ये इस पुलिया का निर्माण कब तक? अब आज का एक दो दिन में प्रारंभ हो जाएगा, जितनी जल्दी हो सकेगा किया जाएगा। महाराज जी, आपके साथ इतनी बड़ी रैली आई है और सोशल डिस्टेंसिंग डिस्टर्ब हुई, अब तो सबके हाथ जोड़ रहे हैं, कोई रैली नहीं आई है, सबसे मना कर रहे हैं, आपसे ही मना कर रहे हैं, आप ही नहीं मान रहे, क्या कर रहे हैं?
बहुत प्यारा जगह।